भारत सरकार से हमारा डिमांड है कि 50,000 रुपया हमको मानदेय दिया जाए। 22 मार्च को हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, लोकसभा का घेराव करेंगे। बच्चा है हमारा भी, परिवार है हमारा भी, पढ़ाना लिखा ठेकेदार नहीं देता है, डीलर को कहता है कि आप दीजिए, आपके यहाँ माल कार नहीं दे रही है, न गोदाम एजीएम दे रहा है, गोदाम एजीएम इसको काला बाजारी करता है और डीलर के ऊपर नाम लगाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज, मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूँ पटना के सैदपुर रोड में, और यहाँ पे डीलर जो है दयानंद जी, उनसे बात करते हैं और क्या क्या इन्होंने मांग रखा है, क्या क्या सरकार से मांग रखा है, पूरे चीज़ों को विस्तार रूप में इनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी। आज हमारा 3 दिन का जो टोकन स्ट्राइक हुआ है वो भारत सरकार से हमारा डिमांड है कि 50,000 रुपया हमको मानदेय दिया जाए। जब सभी आदमी को दे रहे हैं तो जन वितरण दुकानदार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आपको बता दें कि ये टोकन स्ट्राइक है जो कि सरकार के जितने भी मंत्री सांसद हैं सभी को उन्होंने बजाबता ये इनके जो मांग है उनको रखने का काम किया इन्होंने। हमने सभी सांसद को, सभी मंत्री को, सारे सांसद राज्यसभा सदस्य सभी को हमने लेटर दे चुके हैं जी। और तो ये आपने टोकन स्ट्राइक 3 दिनों का किया, उसके बाद फिर आगे का क्या आपका है मुद्दा? मेरा आगे का मुद्दा है 22 मार्च को हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, लोकसभा का घेराव करेंगे, जंतर मंतर से घेराव हम लोग रखे हैं, धरना प्रदर्शन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपका मांग है, पूरा मांग कुछ 12 से 13 मांगे हैं, तो वो क्या क्या है कुछ संक्षिप्त रूप से बताइए। हमारा पहला मांग है कि कम से कम एक डीलर को 50,000 रुपया आमदनी हो, 50,000 मानदेय दीजिए, जिस रूप में हमको दीजिए दीजिए, हमारा भी बाल बच्चा है, हमारा भी परिवार है, हमारा भी पढ़ाना लिखाना है। अभी हमको मान लीजिए 100 कुंटल अनाज मिला, 100 कुंटल अनाज में हम बेचेंगे तो मात्र 9,000 रुपया आया, और 9,000 रुपया आने का मतलब गोदाम का खर्च लेता है, पलदारी लेता है, भाड़ा लेता है, और गोदाम से कम अनाज भी देता है। और इसके बाद क्या पलदारी आपसे ही लिया जाता है क्या? जो गोडाउन वाले यहाँ भेजते हैं आपके पास वो नहीं देते हैं क्या भाड़ा? वो भाड़ा ठेकेदार नहीं देता है, डीलर को कहता है कि आप दीजिए, आपके यहाँ माल उतारे हैं। आपको बता दूं कि ये अभी नोकझोंक इनके बीच में इनके दुकान पे चल ही रहा था, उस जिस समय हम यहाँ पहुँचे उसका भी वीडियो हमने लिया है और उस चीज़ को भी दिखाने का काम करेंगे। सब रिपोर्ट बना के हमको डीएम को देने जा रहे हैं, इतना जान लो, सब भट्टा बैठा देंगे हम। हाँ तो हम नहीं देंगे, फौजदारी नहीं देंगे, जो दे दिए अब नहीं मिलेगा। नहीं फौजदार ठेकेदार को देना है, मेरे दुकान में उतार के देना है पैसा। सुनो हम नहीं देंगे, ठीक है हम नहीं देंगे पैसा, हमको हमको पैसा कोई गाहकी से नहीं लेते, इसलिए नहीं देंगे को पैसा। समझाओ, नहीं पैसा देंगे, तुम पैसा दो, ठेकेदारी का पैसा तुम दो। किस तरीके से ठेकेदार के जो आते हैं अनाज उतारने के लिए डीलरों के पास में पोलदार, वो जबरदस्ती इन लोगों से, डीलरों से मांग करते हैं कि हमें पोलदारी दिया जाए, क्या सर? ये सत्य है कि अभी आपने देखा माल उतारा और कहा कि हमको 10 रुपया कुंटल के हिसाब से हमको पलदारी दीजिए, और पलदारी नहीं दीजिएगा तो माल नहीं उतारेंगे, हमने कह दिया मत उतारो। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो एक बोरे में कितना किलो अनाज होता है? एक बोरे में 50 किलो अनाज होता है, उसको 52 केजी के नाम से भेज देता है। लेकिन अभी आपने एक बोरी लास्ट में उतरवा के यहाँ पे तोलवाया तो उसका
52 केजी नहीं था, कुछ 51 केजी था। 51 केजी, डेढ़ केजी अनाज कम भेज दे रहा है जी, जिसमें 60 केजी, 60 अगर एक डीलर को 20 कुंटल है तो 60 केजी अनाज घट गया। तो ये घट जाता अनाज उसका भरपाई कौन करेगा, आपके नुकसान हो रहा है फिर ये तो। वो डीलर के ऊपर आ रहा है, सरकार नहीं दे रही है, न गोदाम एजीएम दे रहा है, गोदाम एजीएम इसको काला बाजारी करता है और डीलर के ऊपर नाम लगाता है। अच्छा, और गोदाम मैनेजर तौल के अनाज नहीं भेजता है, तौल के नहीं भेजता, इसीलिए हमेशा एक किलो डेढ़ किलो घटता रहता है हर एक बोरी में। हर बोरी में डेढ़ किलो नहीं, 4 किलो 5 किलो भी घटता है, 5 किलो भी चला जाता है, 4 किलो 5 किलो भी अनाज कम होता है। अच्छा, ये एम हाट भी, एम हाट वन तो, से यहाँ गोदाम से आता है माल। तो आपके जो मांग है उसमें ये चीजों को भी मेंशन किया गया है कि जी, हाँ अनाज आ रहा है, हाँ इसको भी मेंशन किया गया है जी। और क्या है सर, और शॉर्टेज है हमारा, ये 2% हमको शॉर्टेज दिया जाए, जो अभी सामने आपने देख लिया कि शॉर्टेज दो होता है जी, 2% शॉर्टेज दिया जाए। और हमारा जो पूर्व में दिया हुआ है 8 सूत्री मांग जी, उसको भी बिहार सरकार पूरा करे। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारा सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर आप है, तो हमको क्यों बधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं। आप लोग जब गर्दनीबाग पे धरना दिए थे तो उसके बाद बोले थे कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो उनके बाद उनका क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक हम लोग बहुत जिले में डीलर मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ले रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग समय लेने के प्रयास में है, समय लेंगे उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद ही कोई मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है ना उप मुख्यमंत्री की तरफ से किसी के तरह से आश्वासन अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इसके लिए आगे आप क्या रूप लेंगे? उग्र आंदोलन का रूप लेंगे, रोड जाम करना है रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करना है चक्का जाम करेंगे। इसका कोई दिन आप लोगों ने निर्धारित किया है? अभी दिन नहीं निर्धारित किया, दिन मेरा प्रदर्शन है अभी लोकसभा का, लोकसभा में प्रदर्शन के बाद हम और उग्र आंदोलन करेंगे। तो जो भी डीलर या डीलर से रिलेटेड जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या संक्षिप्त रूप में आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? हम जनता को भी कह रहे हैं कि जनता भी आप अपना अधिकार के लिए मांगिए। 10 किलो अनाज था, 5 किलो उसको कर दिया, बिहार में 5 किलो अनाज सरकार दिसंबर का खा गया है, जो अभी तक डीलर को मिला और वितरण नहीं हुआ, वो अनाज डीलर के दुकान में बैलेंस है। क्यों भरा हुआ अभी तक, क्यों नहीं वितरण हो रहा है? आदेश नहीं है वो अनाज का वितरण करने का। वो अनाज बर्बाद हो जाएगा, चूहा खा जाएगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार सर मेरे ऊपर, डीलर के ऊपर थोप दिया जाता है, जबकि हम लोग कहें कि हमारा जो अनाज दिया जाता है उसको टोटल के टोटल वितरण करवाइए और टोटल के टोटल हमको अनाज दीजिए। आप लोग अनाज उठाते ही नहीं जब रोक लगा हुआ था, तो अब तो आपके यहाँ बर्बाद होगा, तो ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती है अनाज वितरण करने की। एक तो ये तो सत्य है कि हम पर वितरण करने का, जब वितरण पब्लिक को नहीं देना है अनाज, दुकान में ही रहना है, तो वितरण हम कहाँ से करेंगे? सरकार आदेश देगी तब न वितरण होगा। तो सरकार को आपने चिट्ठी लिखा, कुछ आश्वासन सरकार से लिया कि सरकार बांटने दे आपको? सरकार को हम लोग लिख के दे चुके हैं, भारत सरकार का लेटर भी था कि दिसंबर का अनाज वितरण होगा, लेकिन बिहार सरकार ने ही वितरण किया, जबकि दिल्ली में इसका वितरण हुआ। तो क्या ऐसी मजबूरी रह रही है सरकार की कि आपको वितरण करने से रोका जा रहा है? सरकार इस में जाने हमको क्या, हमको तो जो कहेगा वो हिसाब से वितरण कर देना। तो एक तरह से तो आप बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं? बंधुआ मजदूर से भी बदतर हम काम कर रहे हैं। तो ये देख रहे थे, सुन रहे थे आप दयानंद जी को, जो यहाँ पीडीएस के डीलर हैं और इनकी जो मांगे हैं, और साथ में बता दूं कि ये डीलर संघ से भी जुड़े हुए हैं,
और इनकी जो मांग है वो भारत सरकार से जो रखी गई है कुछ 12 से 13 मांगे हैं जो इस पूरे पेपर में है, और जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी ये लेटर देने का काम किया गया है, जो कि ये बता रहे थे अभी कि 3 दिन का टोकन स्ट्राइक था, उस टोकन स्ट्राइक में सभी लोग को लेटर दिया गया है, और आगे क्या मामला होता है ये पूरी जानकारी आगे के वीडियो में आप देख सकते हैं, जो अपडेट होगा हम आपको देने का काम करेंगे। लोकांदोलन जो अभी है दिल्ली में लोकसभा घेराव, वो कब होगा? ये 22 मार्च को होगा, 22 मार्च को हम लोग 20 तारीख से पूरा बिहार का डीलर, पूरे देश का डीलर 20 तारीख से दिल्ली पहुंचना शुरू। कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे जो कि विधान लोकसभा घेराव करेंगे? इसमें लोकसभा घेराव में बहुत सा सांसद भी आएंगे, बहुत सा सांसद रहेंगे। हमारे बिहार के भी सांसद जाएंगे क्या? हमारे बिहार के सांसद कुछ जाने वाले हैं, बिहार के सांसद भी जाने वाले हैं, और जो भी जाए हम सभी को आमंत्रित करते हैं, सभी सांसद को, और सभी को कहते हैं कि हमको हमारा अधिकार दिलाया जाए। और बासु जी मौजूद रहेंगे ना? हाँ, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी विशंबर बसु, प्रहलाद भाई मोदी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे ओमकार नाथ झा जो ऑल इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये लोग सारे देश के पदाधिकारी लोग उपलब्ध रहेंगे। मेरा नाम दयानंद प्रसाद, प्रदेश महामंत्री, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के सचिव मैं हूँ। आपको बता दें कि 22 मार्च को दिल्ली में संसद भवन का घेराव करने जा रहे हैं पीडीएस से जो भी डीलर जुड़े हुए हैं, साथ में इनके जो माननीय और जो नेता हुए वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे, तो आप लोग भी आकर इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज को फॉलो करें। धन्यवाद।